पुदीना देगा नाचका नगीना देगा चिकनी चमेली देगी चिकना कमीना देगा चांदनी चिटर होके ठीक किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अखा। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना पिक्चर अभी बाकी है। नहीं बात तेरी बात ज्यादा बात है बुरी बात थाली में कटोरा ले। हे गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का न्यू वीडियो को बनाएंगे। सो अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो बनाना चाहते हो, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो को हम लाइट मोशन ऐप की मदद से बनाएंगे। सो अगर आप लाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो तो सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, वहाँ से बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, सो बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग के तरफ। ओके, तो वीडियो एडिट करने के लिए आपको क्या करना है, लाइट मोशन में आ जाना है। पर उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ओके गाइस, सो बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग के तरफ। सो यार, वीडियो एडिट करने के लिए आपको अलाइट मोशन में आना है, प्लस पे क्लिक करके एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है 9:16 के साइज में, और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है, और यहाँ से अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो भी फोल्डर में आपका फोटो है अपनी फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है, और आपको फोटो एड करना है। ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके फिल कम्पोजिशन एरिया करना है, शेयर के आइकन पर क्लिक करके करंट फ्रेम एच पिंजे को सिलेक्ट करके इस पोर्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करना है, आपके सामने ऑप्शन है सेव करके, सेव पर क्लिक करना है, इस फोटो को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है, और इस प्रोजेक्ट से भी आपको बैक आ जाना है। अब यहाँ पे आपको सिंपली बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करना है। अब जैसे आप बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, आपको इसे लेयर पे क्लिक करना है, जो कि सॉन्ग के ऊपर आप लोग देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ एसिप्टिक इमेज, इस लेयर पे क्लिक करना है, और कलर एंड फिल पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करना है, और टेक्स्ट पे क्लिक करने बाद, ओ सॉरी गाइस मोबाइल गिर गया से मेरा, तो आपको करना क्या है, ऊपर आपको अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है जो आपने फोटो को क्रॉप किया है, यहाँ पे सिंपली उस फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सो गाइस, मोबाइल से हाथ में पकड़ के वीडियो बनाता हूँ तो वो ससर जाता है, तो गिर जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस, यहाँ पे एक फ़ोन भी आप जो इंपोर्ट कर लेना, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन मटेरियल्स वाले लिंक में दे दूंगा। इस फ़ोन का नाम है गेम ऑफ स्क्विड, तो आप लोग चेक कर लेना, बाकी इस फ़ोन को इंपोर्ट कर लेना। ओके, तो ये जो फोटो आप एड करोगे वो यहाँ तक आ जाएगा, आपने जो फोटो को क्रॉप किया था वो आप लोग दे सकते हो। अब सिलेक्ट करके आपको आगे जाना है, और यहाँ पे जो टैक्स आता है इसको छोड़ देना है, और यहाँ पे आपको आ जाना है 14:24 पे, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको अपनी नॉर्मल फोल्डर को सिलेक्ट करना है, यानी कि जिसमें आपका नॉर्मल फोटो है, फिर से आपको वही फोल्डर को सिलेक्ट करना है। अब आपको दूसरा फोटो को सिलेक्ट करना है, ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, इस वाले एरो पे क्लिक करके यहाँ से फोटो को ट्रिम करना है, फिर प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, इस वाले फोटो को सिलेक्ट करना है जो आपका नेक्स्ट फोटो है, ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, इस वाले एरो पे क्लिक करके यहाँ से फोटो को ट्रिम कर देना है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस, इसी प्रकार से आपको अपनी फोटोज़ को जो है ना एड कर करके सिंपली ट्रिम करते रहना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं जल्दी जल्दी सही फोटो को ऐड कर लेता हूँ इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपको अपनी सही फोटोज़ को ऐड कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस, इस प्रकार से आपको अपनी सही फोटो को ऐड कर लेना है। अब जैसे फोटो को ऐड कर लेते हैं, अब यहाँ से आपको बैक आना है, सेकंड प्रीसेट को ओपन करना है, सबसे नीचे वाला जो फोटो है इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करके 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना है, और यहाँ से बैक आना है, बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करना है, स्लाइड करके आगे जाना है, और आगे जाने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जो 15 सेकंड से फोटो स्टार्ट हो रहा है ना, बस इस फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करके 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट करना है, फिर इसके जो नेक्स्ट फोटो इसके आगे वाला फोटो इसमें भी इस प्रकार से इसी इफेक्ट को पेस्ट करना है, फिर उसके आगे जो फोटो इसमें भी आपको इसी इफेक्ट को पेस्ट करना है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर अपने इफेक्ट को पेस्ट करते रहना है, और लास्ट तक सभी फोटोज़ में इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे देखना, यहाँ पे गौर से आपको एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है यहाँ पे इमेज के नीचे, देखो पहला जो इमेज यहाँ पे 15 सेकंड पे उसके नीचे देखो, ये है ना, आपको करना क्या, सेलेक्ट करके लास्ट में चले आना है, इसके सामने इधर लॉन्ग प्रेस कर रखना है, इसके जस्ट इसके इधर सामने, इधर मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड में। ओके, तो यहाँ पे लॉन्ग प्रेस कर रखना है, तो इसको आप ऊपर नीचे कर पाओगे, तो बस आपको करना क्या, ऊपर सेलेक्ट करके सभी इमेज के ऊपर कर देना। ओके, इस प्रकार से, और फिर यहाँ से आपको बैक आना है, और सेकंड प्रीसेट को ओपन करना है, और यहाँ पे लॉन्ग प्रेस कर रखना है, ऊपर के तीनों लेयर को सिलेक्ट करके इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, कॉपी 3 लेयर करना है, और यहाँ से बैक आके बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करना है, और इस वाले आइकन पे क्लिक करके पेस्ट 3 लेयर कर देना है। अब सिलेक्ट करके लास्ट में चले आना है, और यहाँ पे लॉन्ग प्रेस कर रखना है, ऊपर के तीनों लेयर को सिलेक्ट करके इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, इससे इसका जो लेंथ है लास्ट तक आ जाएगा। तो इससे इतना कर लेंगे, आपकी वीडियो कंप्लीट बनकर तैयार हो जाएगी, यहाँ पे आप लोग दे सकते हो। अब आपको ऊपर शेयर के आइकन पे क्लिक करके अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइस, बस आज के लिए इतना ही,
आई होप कि वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई अपना ध्यान रखना।